राजनांदगांव पुलिस और आईटीबीपी के संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। इस टीम ने नक्सलियों के 5 किलो व 15 किलो के 2 आईडी बम बरामद किए हैं। नक्सलियों द्वारा पुलिस फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्हें लगाया गया था। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र काशी बहरा एवं नवा गांव के बीच जंगल के रास्ते में 5 किलो एवं ग्राम मरका टोला और कुम्ही के बीच जंगल से 15 किलो का आईईडी बरामद किया गया। नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ये आईईडी लगाया गया था। जिला पुलिस बल एवं आईटीबीपी की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए आईईडी को बरामद कर निष्क्रिय किया गया। जिला पुलिस बल और आईटीबीपी के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान पुलिस ने बीच जंगल में कुछ वायर देखे और सावधानीपूर्वक सुरक्षा कारणों को अपनाते हुए इन तारों को का पीछा करके आईईडी को खोज निकाला और उसे निष्क्रिय किया। बकरकट्टा क्षेत्र अंतर्गत आईटीबीपी और थाने की टीम उस क्षेत्र में सर्चिंग के लिए निकली थी, तो उस दौरान पता चला कि कुछ क्षेत्रों में आईडी होने की सूचना पर से बीडी स्क्वाड के द्वारा सर्च किया गया, जिसमें से 5 किलो का और 15 किलो का 2 बम मिला, जिसको घटनास्थल पर डिफ्यूज कर दिया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।